एसिडिक है ना, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पानी। आपका बॉडी है वो पानी ज्यादा मांग रहा है, मेरा बॉडी कम मांग रहा है। मतलब अभी आपसे मैं एक घंटे नहीं 5 घंटे बात करता हूँ, मुझे आधा गिलास भी पानी की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा बॉडी एडजस्ट उसके साथ हुआ है। और ये क्यों हुआ है इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ कि मेरी बॉडी आज के दिन में उनका पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल और अल्कलाइन है। अल्कलाइन बॉडी कैन नॉट नीड्स वाटर कंटेंट, और जो एसिडिक बॉडी है नीड्स वाटर कंटेंट मोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी की डिमांड जब हमारा बॉडी है ना किसी भी हालत में वो करना चाहता है, जीना चाहता है, और आपका एसिडिक लेवल जब बढ़ता है तब बॉडी का ड्यूटी ये आता है कि मुझे जीना है, मुझे ठीक रहना है, इसके लिए वो आपके पास पानी मांग लेता है और आप दे देते हैं। गलत नहीं कर रहे हैं आप, बॉडी की नीड से आप दे रहे हैं। कोई कोई हमें क्वेश्चन करता है, सर पानी आपके हिसाब से कितना पीना चाहिए उनको? मैंने एक कई बार मैं सोचता हूँ कि एक सप्ताह में पानी का गिलास एक भी नहीं पिया। मैं टमाटर जूस पी लेता हूँ, ककड़ी का जूस पी लेता हूँ, गन्ने का जूस पी लेता हूँ, कि अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं। तो पानी का भी साइंस ऐसा है कि पानी शुरुआत के एक महीने में आपको डिमांड करेगा। जब एसिडिक से ट्रांसफॉर्मेशन होकर आप पहले अल्कलाइन के ऊपर तो जाओ, फिर एक महीने के बाद आपको पता चलेगा कि बाप रे ये तो 5-5 लीटर तो मैं खामखा पी रहा था। अभी 1 लीटर की जब हम बोतल ले आते हैं ना, तो 5 लोग यहाँ ग्रुप में होते हैं, एक बोतल आधी बोतल घर पे वापस लेके जाते हैं। तो पानी का जो इंटेक है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। डॉक्टर को पूछेंगे और कहेंगे कि मैं आधा लीटर पानी पीता हूँ, तो वो तुरंत ही आपको अटेंशन दिलवाएगा कि आप गलती कर रहे हैं। पानी तो शरीर में जाना ही चाहिए, 70% पानी का हिस्सा है, पानी तो देना ही है वरना आप डिहाइड्रेट होंगे। और ये एनीमा जब हम लेते हैं ना, बड़ी हाथ में पानी चढ़ता है, तो 1 लीटर पानी चढ़ाया तो इसमें से 50 ml बड़ी हाथ सोख लेती है पानी। शरीर को जितनी जरूरत है ना वो बड़ी हाथ सोख लेती है। मतलब लोग डिहाइड्रेट इस सिस्टम से नहीं होते। कोई कोई 8 घंटे करते हैं सुबह का फास्टिंग, हम 12-15-18 घंटे करते हैं तो डिहाइड्रेट नहीं होते होते हैं। हमने सुबह 500 ml एनिमा चढ़ा लिया तो पानी सोख लेता है एनिमा बड़ी आंत, तो इनसे पूरा बॉडी एकदम हाइड्रेट हो जाता है। तो ये चीज़ है, साइंस है इसके पीछे।